ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये थायराइड के लिए पॉइंट रहता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जिसमें हम थंब के सेंटर जॉइंट को हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, और इसको मेथी स्ट्रिप या मैग्नेट्स के साथ भी ट्रीट करते हैं। वो एक अलग उपचार पद्धति है, उसे हम दाब विद्या एक्यूप्रेशर साइंस कहते हैं। तो ये भी इफेक्टिव है। अगर 15 मिनट अगर हम सिर्फ 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट सिर्फ सूर्य नमस्कार, तो हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और स्टेट सेंट्रल की कोशिश है कि आज आपको कुछ ऐसा दिया जाए जिसको सिर्फ आपको आज ही नहीं पूरा साल अपनाना है, जिससे बहुत सारी बीमारी कट सकती हैं और आप स्वस्थ रहेंगे। मेरे साथ हैं मानिक सलाथिया साहब, पिछले 10 साल से लगातार ये योग पे काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है इनके माध्यम से। आज इनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और आप तक कुछ नया पहुंचा सकें। मानिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद रविंद्र जी, आप आए। मानिक साहब, मुझे ये बताओ कि आपकी उम्र 32-33 साल के बीच होगी, तो योग की दुनिया में आपने कदम रख लिया आज से 10 साल पहले, यानी कि 21-22 साल की उम्र में आपने ये शुरू कर दिया था। कैसे इस तरफ रुझान हुआ और किस तरह शुरुआत हुई? देखिए रविंद्र जी, मैं एक वीडियो देख रहा था आज से 10-12 साल पहले, तो उसमें मैंने देखा कि जब हम जिनकी पूजा करते हैं, भगवान राम, अगर वो अपने गुरुकुल में रहते हुए अपने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहकर अगर वो योग का अभ्यास कर रहे थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। तब मेरे जीवन में वो चीज़ आई, उनको मैंने सूर्य नमस्कार करते हुए देखा, और उस समय बाबा रामदेव का भी काफ़ी प्रभाव भारत में चल रहा था, तब नया नया ये सारा सिस्टम बन रहा था योग के लिए, तो मैंने देखा कि मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। बस रविंद्र जी, वो करता हुआ करते 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 कुछ ऐसा ही होता गया कि मेरी रुचि बढ़ती गई धीरे 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 धीरे। और उस समय मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, मैं सेल्स की जॉब करता था और डॉक्टर्स के पास जाता रहता था लगातार, तो मैं देखता था कि डॉक्टर्स दवाई देते हैं तो वो दवाई चलती रहती है पर लोग ठीक नहीं होते। तो फिर मेरे को एक पता लगा कि नहीं, एक ये भी एक थेरेपी है, योग थेरेपी, जो कि हमारी प्राचीन थेरेपी है। तो इसमें मेरा धीरे धीरे विश्वास बना, करना शुरू किया। मेरे बाल हल्के से सफ़ेद थे उस समय, 30-40%, तो वो ठीक हुए। मैं बाइक ज़्यादा चलाता था क्योंकि सेल्स की जॉब थी मेरी, MR था आयुर्वेदिक कंपनी में, तो बाइक चलाते चलाते मेरी कमर में दर्द, तो वो भी देखा कि कुछ दिनों में ठीक हो गई, तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर धीरे धीरे मैंने कोर्सेज किए और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे ऐसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। अब मुद्दे की बात यह है कि योग क्या है? वास्तव में देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग को डिफाइन किया योगश चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। अब चित्त हुआ हमारा माइंड, जब इसकी वृत्तियां जो हैं इसमें फ्लक्चुएशंस एंड मैन्युफेस्टेशंस हैं, अलग अलग विचार जो हमारे मन में घर करते हैं, तो मन जो है वो विचारों का समूह है। तो उन्होंने कहा कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, जब आप पूर्णतः योग में आप प्रबल हो जाएंगे तो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, अर्थात आपकी वो स्थिति आ जाएगी कि आप सदा सर्वदा आनंद में रहेंगे, इंजॉय में रहेंगे, ब्लिसफुल स्टेट में रहेंगे, और विदाउट एनी टेंशन आप जीवन को एक सरलता से और बहुत अच्छे तरीके से जीवन को जिएंगे। मानिक साहब, बड़ी सरल भाषा में बात करेंगे क्योंकि हमारा जो व्यूवर है उनको समझने में आसानी होगी। अब आप मुझे बड़े सरल भाषा में ये बताएं कि दिनचर्या से लेकर सूर्यास्त तक क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या योग हैं जो हर इंसान को करना चाहिए। ज़रूरी नहीं प्रोफेशनल को ही, वो आपको पूरा उसमें लीन हो जाना है, लेकिन एक आम आदमी को जो सुबह घर से निकलता है, शाम को घर आता है, बच्चों के लिए अर्निंग करता है, उसको क्या करना चाहिए जिससे उसको कुछ बीमारियों से बचा रहे और स्वस्थ रहे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका रविंद्र जी, कि योग वास्तव में एक
जीवन पद्धति है, ना कि ये चिकित्सा पद्धति है। हाँ, चिकित्सा के स्तर पे हमको परिणाम मिलते हैं, जब हम इसको रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। मानिए किसी का बीपी अगर गड़बड़ हो चुका है तो उसका बीपी ठीक होगा, किसी का थायराइड अगर गड़बड़ हो चुका है, पर केवल इतना ही योगा से हमको बेनिफिट में ना रहें। आगे इसके जो बहुत सारे जो इसके लाभ मिलने वाले हैं आपके माइंड के लेवल पे, आपकी सोल के लेवल पे, आपको आध्यात्मिक लेवल पे, तो इसकी दिनचर्या ये रहती है। हम अपने शास्त्रों में भी देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला, हम सब जानते हैं कि ऐसा एक हमारा सिस्टम था कि लोग, पुराने लोग सूर्य उदय से पहले ही उठते थे। और हम देखेंगे कि जो भी, जैसे हमारे यहाँ प्रभात फेरी का एक प्रचलन है, तो सूर्य उदय से पहले ही वो सब कुछ होता है। तो जब हम सूर्य उदय से उठते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि योगा एक जीवन पद्धति है, तो जीवन पद्धति को उस प्रकार से जीना, यानी कि मुझे ये बात समझ आ गई आपकी, क्योंकि जो लोग योग कर रहे होंगे उनको समझना आसान होगा, लेकिन आप मुझे बड़ी सरल भाषा में ये बताएं कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको स्ट्रेस रहता है, जोड़ों में दर्द रहती है और बहुत सारी, क्या करना, क्या योग है उसमें, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप सूक्ष्म योगिक क्रियाओं से हम स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म योगिक क्रियाएँ हो गई हर एक बॉडी ज्वाइंट का उसको मूव करना। जैसे मान के चलिए ये मेरी रिस्ट है, तो मणिबंद क्रिया, इससे क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इससे हमारी जो जकड़न है और जो ब्लड फ्लो है बॉडी का वो बिल्कुल ठीक से होता जाएगा। एक बार थोड़ा बता तो दे कैसे करना है, ये क्या पोर्शन क्या रहे, कैसे बैठना, जैसे ये मणिबंध नहीं, इसको खड़े होके भी कर सकते हैं। जो सूक्ष्म योगी क्रियाएं हैं, ये वास्तव में वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं। ये आसन से पहले हम इनको करते हैं ताकि हमारा शरीर तैयार हो जाए आसन करने के लिए। देन उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, देन उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम करने के बाद जब हमारी माइंड भी बैलेंस हो जाता है और बॉडी भी बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, तो हम ध्यान की उच्च अवस्था में जा सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है, देखिए, सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद हमारी जो धीरे धीरे शरीर की जकड़न हटेगी, फिर हम आसन्स करना शुरू करेंगे। देखिए, ये 5 से 10 मिनट इसको विद ब्रीदिंग करें। जैसे इस टाइम कोविड का दौर चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि फेफड़ों की जो सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं, जिससे कि हमारे फेफड़े सुचारू ढंग से काम करेंगे, जिससे कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो श्वास भरते हुए धीरे से पीछे करना, देखिए चेस्ट आपकी ओपन हो रही है और क्लोज हो रही है। और हम इसको रिदम के साथ कर रहे हैं, विद ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेवल बॉडी का बढ़ रहा है। तो जैसे ही ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी का बढ़ता है, क्योंकि रविंदर जी देखिए, भोजन की आवश्यकता हमको इतनी नहीं रहती जितनी जल की रहती है, और जल की उतनी नहीं रहती जितनी हमकी वायु को रहती है। प्राणवायु सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही हम सूक्ष्म व्यायाम प्राणवायु को साथ में भरते हुए करते हैं, तो इसका रिजल्ट हमको बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। और 40 दिन एक न्यूनतम समय है। अगर बिल्कुल टेक्निक से अगर कोई 40 दिन ठीक से योग करेगा, योगा अभ्यास करेगा, आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, और योगिक जीवन पद्धति जिसमें आहार को संतुलित लेगा और अपना दिनचर्या को बैलेंस करेगा, तो उसको मैं कहता हूँ कि उसकी ये ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये जितनी भी छोटी छोटी लाइफस्टाइल मिसमैनेजमेंट के कारण जो ये डिजीजेस है, आप देखें, ये पहले कभी ऐसी डिजीजेस किसी को नहीं होती थी, ये कुछ ही समय में ऐसे बनी है, तो ये बहुत सरलता से ठीक होती जाएगी। जो अभी आपने बताया, ये डायबिटीज थायराइड के लिए था? नहीं, ये डायबिटीज थायराइड के लिए, ये वार्म अप है सिर्फ थायराइड और बीपी और शुगर के लिए। आप बता दीजिए थायराइड के लिए, आप ध्यान से देखना अभी, क्योंकि ये घर घर की प्रॉब्लम है। डायबिटीज, थायराइड और स्ट्रेस, ये हर घर की प्रॉब्लम है। सर, बता दीजिए योग से इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। थायराइड के लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा, उज्जाई प्राणायाम हम लोग करते हैं। उज्जाई प्राणायाम में इस तरह से आवाज करना होता है, कमर गर्दन सीधी रख के बैठना। ये किसके लिए? ये थायराइड के लिए सर। जी, श्वास भरते हुए आवाज करना इस तरह। धीरे से श्वास को खाली करना, पुनः भरना। ये प्राणायाम थायराइड के लिए है। ये कितने वक्त करना? ये 3 से 4 बार रविंद्र जी, इसको हम अभ्यास करें सुबह शाम, इसको हम 3 से 4 बार, 3 से 4 बार धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है। थायराइड में कितने दिन में आपको इससे? देखिए, इससे ये है कि जैसे आपके, मान के चलिए आप 50 mg की टैबलेट खाते हैं, तो 1 से 2 महीना जब आप अभ्यास करेंगे, आप अपनी दवाई कम करके देखें, अगर आपको रेगुलर वैसे रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो आप अपनी दवाई का। बहुत बढ़िया, बहुत, ये तो मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छा आपने बताया लोगों के लिए। सर, इसके बाद जो सबसे बड़ी, हाँ, ये इसके बाद ये थायराइड के लिए पॉइंट रहता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जिसमें हम थंब के सेंटर जॉइंट को हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, और इसको मेथी स्ट्रिप या मैग्नेट्स के साथ भी ट्रीट करते हैं। वो एक अलग उपचार पद्धति है, उसे हम दाब विद्या, एक्यूप्रेशर साइंस कहते हैं, तो ये भी इफेक्टिव है। इसके बाद उष्ट्रासन है, ये थायराइड के लिए। मैं थायराइड के लिए 2-3 चीजें बता दूंगा, क्योंकि एक चीज से ऐसा लाभ मिले या नहीं मिले, 2-3 चीजें हैं इसमें, जो जैसा सरलता से कर पाए। देखिए, हम इसमें उष्ट्रासन
पहले हम प्रारंभिक स्थिति में बिगिनिंग स्टेज में इस प्रकार करें, उसके बाद जब थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन इस प्रकार कर सकते हैं। लंग्स की भी ओपनिंग है जिससे कि हमारा अभी कोविड के समय में लंग्स की फंक्शनिंग बूस्ट हो जाएगी, धीरे से वापस आना। इसके बाद हमारा ये रहता है सिंहासन, ये थायराइड के लिए बहुत ही कारगर क्रिया है। इसमें जीवा को बाहर निकाल कर सिंह क्रिया करनी होती है। इसको 3 से 4 बार इसको करना चाहिए सिंहासन को। अच्छा। तो ऐसे ये मैंने थायराइड के लिए बताई। अब अगर डायबिटीज के लिए आते हैं, जनाब आप बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इससे ग्रस्त हैं, परेशान हैं, तो ये आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। सर इसके बाद डायबिटीज के लिए क्या? डायबिटीज के लिए बताता हूँ रविंदर जी मैं। देखिए मंडूक आसन है, बहुत से लोग जानते हैं परंतु मोटिवेशन लेके इसको करना बहुत ज़रूरी है। जानते बहुत लोग हैं परंतु करते नहीं हैं। देखिए मुट्ठी इस प्रकार बंद करके श्वास खाली करते हुए धीरे 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 श्वास खाली करना, आंखें बंद कर देना क्योंकि रक्त हमारा आंखों की पुतलियों में जाता है जिससे नुकसान हमको हो सकता है। अब ये आपके हाथ पेट के ऊपर है, पेट के ऊपर है, पैनक्रियास पे ये पैनक्रियास स्टिमुलेट हो रहे हैं। मुट्ठी बिंची हुई है, खुली हुई है? ये बंद है सर मुट्ठी। ओके, बेसिकली ये आसन धीरे से श्वास भरते हुए वापस आना। मैं इसकी जो है इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। पैनक्रियास हमारा इस तरफ रहता है तो पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है जिससे कि इंसुलिन ग्रंथि जो है वो काम करना स्टार्ट करती है और इंसुलिन की कमी से ही जो है हमारा डायबिटीज लेवल जो है बढ़ जाता है। तो एक और आसन है अर्धमत्स्येंद्रासन। ये एक बहुत पुराने योगी थे जिन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी को योग विद्या सिखाई, तो उनके नाम पे ये आसन है क्योंकि वो इस आसन को करते थे, अर्धमत्स्येंद्रासन। ये डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी है क्योंकि पैनक्रियास को प्रभावित करता है और स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बैकएक के जितने भी इश्यूज हैं वो भी इससे सॉल्व रहते हैं क्योंकि ये वाली ट्विस्टिंग हम करते नहीं हैं। हम आमतौर पे आगे झुकने वाली, पीछे झुकने वाली ट्विस्टिंग करती हैं, बट साइड ट्विस्टिंग हम नहीं करते, इसलिए साइड ट्विस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अर्धमत्स्येंद्रासन तो दोनों तरफ बराबर। आसन का मतलब है कि उस समय कुछ समय के लिए रुकना, स्थिर सुखम आसनम, कि स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक उस आसन में कुछ देर रुकना। और ये तीसरा आसन है पश्चिम उत्तान आसन। ये डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, कारगर है क्योंकि कई लोग जो जैसे मैंने वज्रासन में मंडूक आसन बताया, कई लोगों को नीज में प्रॉब्लम रहती है तो उनको वज्रासन में मंडूक आसन नहीं करना चाहिए, तो वो ये वाला आसन इस प्रकार कर सकते हैं जिनके घुटनों में दिक्कत है। यहाँ से ऐसे होके पैनक्रियास को प्रभावित कर सकते हैं। सर एक बार बता दीजिए, मुट्ठी बिछी हुई है अपने? मुट्ठी बिल्कुल बंद है। और ये रहता है हमारा पश्चिम उत्तान आसन। ये जो आसन है ये विद्यार्थियों के लिए भी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, परंतु जिनको बहुत ज़्यादा सिवियर बैक पेन है वो इसका अभ्यास ना करें। सिवियर बैक पेन जिनको है वो बहुत ज़्यादा आगे झुकने वाले आसन कृपया कुछ समय के लिए ना करें या फिर किसी योग विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें जी। बहुत बढ़िया मानिक साहब, आपने बहुत ही अच्छी, लेकिन अब सभी कुछ दिखाना इस छोटे से वीडियो में बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि लोगों को समझ भी नहीं आएगा। इसीलिए अगर लोगों ने और जानना चाहेंगे हमें, हम 1-1.5-2 महीने बाद वापस आपके पास आएंगे या एक रूटीन शुरू करेंगे। एक सर एक आखिरी बार स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस के लिए आप बता दीजिए क्योंकि ये सबसे कॉमन जो डिज़ीज़ है ये स्ट्रेस है। देखिए मैं आपको बताता हूँ रविंद्र जी, ये जो स्ट्रेस शब्द है वास्तव में ये अंग्रेजी शब्द है। हाँ इस समय डॉक्टर्स इसको प्रयोग करते हैं परंतु वास्तव में स्ट्रेस अपने भीतर है, इसको निकालना भी हमें है। इसको कैसे निकालना, ये 4 चीज़ों पे काम करना पड़ता है। निश्चित खानपान, योगाभ्यास, पुस्तकों का अध्ययन, जो भी हमारे वैदिक शास्त्र हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, वेद पुराण शास्त्र, उनको पढ़ना, उससे आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है क्योंकि स्वामी विवेकानंद ये कहते थे कि नॉलेज इज़ पावर। तो आपको स्ट्रेस रहेगा ही नहीं अगर आप अच्छी कंपनी में अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, मोटिवेशन लोगों के साथ उठे बैठेंगे तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं हो सकता। खैर ये दवाई वगैरह खाना, उससे भी धीरे धीरे आपको अंतर आता है, परंतु अगर आपकी दिनचर्या रेगुलर है, अगर आपकी प्रैक्टिसेस अच्छी हैं तो ऐसी कोई भी स्ट्रेस नाम की चीज़, ये एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें मान के चलिए। और ये भ्रामरी प्राणायाम हम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम इस प्रकार करते हैं, बिल्कुल ये नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ये पिच्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को स्मूथ करता है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ।
भ्रामरी प्राणायाम, इसको 3 से 5 बार इसको सुबह शाम अभ्यास करना, या फिर ये अनुलोम विलोम, लेफ्ट से सांस भरना, राइट से खाली करना, फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास खाली करना। तो इसके 5 से 6 चक्र अगर हम करें तो भी हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच में बैलेंस बनेगा, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उनके बीच में बैलेंस बनता है, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम सुचारू ढंग से काम करता है। मानिक साहब, एक आम आदमी के लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए, सुबह उठता है और शाम को घर आता है थका हारा, ये सुबह कितना वक्त, क्योंकि ऐसा ना लोग कहेंगे हमारे पास इतना वक्त नहीं है, 1-1.5 घंटा हम इसमें कर सकें, तो कि कितना वक्त जो मिनिमम चाहिए जिससे आदमी खुश रह सकता है। इंद्र जी, ये तो बहुत ही आपने एक अच्छा प्रश्न पूछ लिया, ये सबके लिए काम आने वाला है। देखिए, ईश्वर ने सबके लिए 24 घंटे दिए, अब उसने बुद्धि विवेक भी सबको बराबर दिया, परंतु उस बुद्धि विवेक को सबसे पहले हम, हेल्थ इज वेल्थ, हमको ये बात समझने की है। और हम बचपन में भी जब हम पढ़ते थे तो हमने ये थॉट पढ़ा था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो 24 घंटे हम सबके पास है, परंतु फिर भी आज की दिनचर्या, जैसा मैं मानता हूँ कि आजकल समय का अभाव रहता है सबके साथ, बिल्कुल, तो उसमें अगर 15 मिनट अगर हम सिर्फ 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट सिर्फ सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार एक एंशियंट साइंटिफिक क्रिया है जिसमें कि फुल बॉडी हमारी जो है एक्सरसाइज हो जाती है, पैरों से लेकर सर तक की 7 आसन उसमें कवर होते हैं, 12 पॉस्चर्स हैं अलग अलग। तो अगर हम सूर्य नमस्कार 10 से 12 बार कर देते हैं तो हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम से नाड़ियों का शोधन हो जाएगा, कपालभाति से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो ये 15 मिनट अगर हम सुबह ना दे पाएँ तो शाम को दे लें, शाम को ना दे पाएँ तो सुबह दे लें। तो ये करते करते आपकी बॉडी और माइंड जब बिल्कुल काम हो जाएंगे और आपका ब्रेन एक्टिवली काम करना स्टार्ट करेगा तो आप मेडिटेशन करने लग पड़ेंगे, क्योंकि योग का जो परम लक्ष्य है, देखिए रविंद्र जी, वो है मेडिटेशन। क्योंकि लंबे समय के लिए ध्यान में बैठना वो वही बैठ सकता है जिसकी मन की वृत्तियां शांत हैं, जिसका शरीर बिल्कुल स्थिर हो चुका है अभ्यास कर करके, अन्यथा नहीं तो कोई गर्मी से डरने लग पड़ेगा, कोई सर्दी से डर जाएगा, वो ज्यादा समय के लिए बैठ नहीं पाएगा। दैट मींस कि अगर 15 मिनट हम दिन के निकाल सकें तो हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल थोड़ी आसान हो सकती है। मानिक साहब, एक आखिरी सवाल, अब सवाल ये है कि काफ़ी लोग ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि सब कुछ हम नहीं बता पाए, योग इतनी लंबी चौड़ी एक दास्तान है कि इसको एक 10-15 मिनट के वीडियो में कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है, वो लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे, आपके संपर्क में आना चाहेंगे और कुछ जानना चाहेंगे योग के लिए, उनके लिए क्या विकल्प हैं? देखिए, मेरा फेसबुक पर मेरा नाम मानिक सलाथिया के नाम से एक योग अस्त्र नाम करके पेज है, तो आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, उसमें आप रिप्लाई कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर कंसल्टेशन और ये जो योग की कंसल्टेशन है ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और एक मेरी मेडिटेशन की क्लास रात को चलती है, वो 10:15 से 10:35, वो निःशुल्क है बिल्कुल। वो किस पे, कहाँ चलती है? वो जूम पे चलती है, वो जूम पे मैं ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं उसको। तो उसका अगर जिसको करना है वो मुझे फेसबुक पे संपर्क कर ले मेरे नाम पे, और फेसबुक पे मानिक सलाथिया के नाम पे संपर्क कर ले, मैसेज कर ले, मैं उनको लिंक सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप जैसे ही मुझे करेंगे तो मैं उनको लिंक सेंड करूंगा। अन्यथा आपके माध्यम से भी अगर कोई आपसे संपर्क करता है तो आप भी अगर मुझे कोई नंबर रेफर करेंगे कि इसको अपने ग्रुप में जोड़ना है तो मैं उसको कर लूंगा, व्हाट्सएप का मैंने ग्रुप बनाया। और भी मैं ये विकल्प बताऊंगा कि देखिए, आप किसी से भी योग सीखिए, चाहे आप मुझसे, मेरे साथ अभ्यास करें, या आप स्वयं व्यक्तिगत अभ्यास करें, चाहे आप यूट्यूब से करें, आप बस करें और किसी एक के साथ जुड़कर करते रहिए, ताकि अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो जिंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमने आपको बताई योग के माध्यम से, योग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालांकि ये योग काफ़ी पुराना है, बहुत पुरानी ये विधि है, लेकिन शायद हम ही लोगों से आप लोगों तक पहुँचाने में वो तरीका ही नहीं आया हमें, वो सरल भाषा कभी आई ही नहीं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से योग ने जिस तरह से अपने आप को साबित किया है और इंसानियत के लिए जो अपनी सेवाएं दे रहा है और जिस तरह से लोग इसको अपना रहे हैं और इसमें बदलाव भी आ रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन जनाब ये याद रखिएगा, सिर्फ आज के दिन योग नहीं करना है, आपको इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल।